Hello students and a very warm welcome to Saurav Sir's classes. आज का tutorial theoretical होगा जिसमें हम लोग circle के बारे में जानेंगे. तो चलिए बिना वक्त गवाए straight हम लोग tutorial की तरफ बढ़ते हैं. तो आज topic of discussion है circle. तो हम लोग पहले start करेंगे define करते हुए कि circle actually होता क्या है. ये एक plane figure है. So a plane figure enclosed by a line, जो enclosed होता है line से, जिसमें on which every point, जहाँ पे सारे point is equally distant, मतलब equally मतलब same दूरी पे होते हैं from a fixed point. और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कभी कभी बोलते हैं सेंटर. और ये सब है इनसाइड द कर्व. तो अगर मैं एक कर्व बनाती हूँ और एक सेंटर पॉइंट लेती हूँ जो एक फिक्स पॉइंट होगा और वहाँ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगी तो इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है वो दोनों एक होगा. अगर ये एक्स है तो इसे भी एक्स ही होना होगा. अगर x is equal to y हो जाता है, x is not equal to y, अगर दोनों का डिस्टेंस अलग है मतलब वो सर्कल नहीं है. सो सपोज r be the radius ऑफ अ सर्कल. तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा r एंड l be the length of the arc. और L से हम लोग डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क. तो इसको डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे दिखाएंगे. तो मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया है और मैं एक सेंटर ले रही हूँ ज़ीरो. तो यहाँ से मैं एक एंगल बनाऊँगी, ये है थीटा. तो ये मेरा है रेडियस, इसको मैं मार्क कर देती हूँ एज आर. और अब लेंथ दिखाना है तो ये ए से बी ये मेरा हो गया है लेंथ. तो ये हो गया हम लोग का सर्कल का डायग्राम. अब हम लोग सॉल्व करेंगे डायमीटर. तो डायमीटर यूजुअली सर्कल के लिए स्मॉल डी से डिनोट होता है और इसका फॉर्मूला है 2R और R स्टैंड्स फॉर रेडियस. सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू डी डायमीटर. और क्योंकि डायमीटर 2R है तो d के जगह हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला 2πr. एरिया का फॉर्मूला दिया जाता है πr स्क्वायर से. और लेंथ ऑफ द आर्क आपका दिया जाएगा आई एल जो हम लोग ने लिखा था और ये होगा πr थीटा बाय 360 डिग्री. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में. इसके लिए मैंने एक अलग डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने अगेन वो सर्कल लिया है, आर से रेडियस ड्रॉ किया है. ये मेरा हो गया है मेजर सेगमेंट, जो ज़्यादा पार्ट है उसको मैंने मेजर सेगमेंट कह के डिनोट कर रही हूँ. एंड जो आपका ये छोटा सा पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेगमेंट. सो माइनर सेगमेंट. तो चलिए इन दोनों का भी एरिया देख लेते हैं कैसे निकलता है. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज ए इंटू बी. ठीक है, इसका मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. अगर ये दोनों एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इससे अगर हम लोग लेस कर देते एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी तब हम लोग का माइनर सेगमेंट आ जाएगा. तो ये किस तरह से दिया जाएगा. सो पहला वाला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. ये हो गया हम लोग का माइनर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर के लिए भी निकाल लेते हैं.
यही डायग्राम को फॉलो करके हम लोग का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ए वाई बी ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल, और इससे हम लोग को लेस करना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी ए। तो चलिए लेस करके देखते हैं कितना आता है। तो इसके लिए हम लोग को एरिया ऑफ ये सर्कल निकालना है, और हम लोग ने ए एक्स बी तो ऑलरेडी निकाल, इसका भी वैल्यू कंप्यूट करके दोनों का वैल्यू लिख के हम लोग लेस करके एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। इसका मतलब है अगर माइनर सेगमेंट का मान लीजिए आंसर आता है 3 और पूरा एरिया ऑफ द सर्कल है 7, तो मेजर का आएगा आपका 7 - 3 और आंसर होगा 4। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल था। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए हमारे वीडियोस अपने और भी दोस्तों के साथ। थैंक यू।